बारामती में सब लोगों को मिलने की कोशिश की और मुझे विश्वास है बारामती के लोग इस दफा मुझे अच्छे वोटों से जीत के दे देंगे। दोनों बाजू में एक दो बाजू मेरी है तो मैंने कहा कि मैं मेरा लास्ट का स्पीच आपने देखा होगा जिसको हम समारोह की सभा बोलते हैं, लास्ट सभा जो हमारी यहाँ होती है, तो मैंने जो 5 साल में काम किया है, आगे जो मैं बारामती के लिए करना चाहता हूँ, आगे जो महाराष्ट्र के लिए मैं करना चाहता हूँ, क्या हमारा विजन है, क्या हमारा मैनिफेस्टो है, वो सब बताने की कोशिश पूरे महाराष्ट्र में भी मैंने की है, जहाँ जहाँ हमारे कैंडिडेट महायुक्ति के थे वहाँ जाके, और मेरे बारामती में भी मैंने अभी वो उसके बारे में ये जो है वो बारामती वालों का अधिकार है, बारामती के वोटर उसके बारे में सोचेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है बारामती के लोग मुझे बहुत अच्छे डिफरेंस से अच्छे मार्जिन से जिता के देंगे। उसके बारे में जो कुछ ऑडियो दिखा रहे हैं वो आवाज के बारे में मुझे इतना ही जानकारी है, मैं दोनों को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ। एक तो मेरी परिवार की मेरी बहन है और दूसरे हमने जिनके साथ बहुत साल काम किया है, एक दूसरे के विरोध में भी किया है, एक दूसरे के साथ भी किया है, महाविकास आघाड़ी में भी किया है, वो बीच में बीजेपी के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ऐसे सभी जगह उन्होंने काम किया, तो वो भी आवाज उनका ही उनका बोलने का टोन उनका आवाज दोनों का वही है। अभी इसके बारे में इंक्वायरी हो जाएगी, इंक्वायरी होने के बाद पता चलेगा कौन है क्या है इसके पीछे सच राज क्या है वो पता चलेगा। नहीं नहीं ये देखो किसके खिलाफ कल मेरे भी खिलाफ किसी ने कुछ ऐसा निकाला कि जो जो बोलना गलत है या कानून के हिसाब से या कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से बराबर नहीं है, ऐसी बातें किसी ने भी करनी नहीं चाहिए।